भैया हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ हर साल जून के महीने में एप्पल करता है कैलिफोर्निया WWDC। इस बार सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है WWDC, लेकिन कन्वर्ट हो गया है एक मेगा इवेंट से वर्चुअल इवेंट में। बिल्कुल 22 जून को WWDC होगा, जिसमें एक स्नीक पीक हमें इस साल के सारे एप्पल डिवाइसेस से होगा। तो सिद्धार्थ क्या लगता है आपको iOS 14 क्या क्या चीजें इंतजार कर रहे हैं उसमें? सो बेसिकली मतलब पहली बात तो एप्पल का पहली बार ऐसे वर्चुअल इवेंट हो रहा है, अपने आप में वही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल फिजिकल इवेंट्स में ज़्यादा बिलीव करता है। सालों से हम देखते आ रहे हैं, इतना शुरू करते हैं अपनी ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ऑन द न्यू iOS प्लेटफॉर्म, एंड हमेशा की तरह नए आईफोन्स के साथ वो नया iOS देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि नए iOS 14 पे आपको इस बार हो सकता है कई सारी ऐसी यू नो कंपैटिबिलिटीज़ देखने को मिले जो आपके पास नहीं थी। तो मेरी अगर मैं विशलिस्ट बताऊँ अभिषेक आपको, मेरी इस बार विशलिस्ट एप्पल से ये है कि iOS 14 में हमें बुके फोटोग्राफी तो देखने को मिला था, पर बुके वीडियो में अगर वो कुछ करें, क्योंकि वीडियो के मामले हो सकता है और चार कैमरा भी देखने को मिल जाए, पर वहाँ पे अगर हमें एक बुके वीडियो मिले तो मज़ा आ जाए। ये मेरी विश लिस्ट है। चीज़ मेरी विश लिस्ट में जो मुझे लगता है, क्योंकि पिछला अगर हम एक साल देखें एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये साल जैसे पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये साल स्मार्टफोन के इतिहास में या स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसान वाला रहा है, क्योंकि ये पूरा क्वार्टर ख़त्म हो गया है COVID-19 के चक्कर में। लेकिन इस क्वार्टर में जो कि जहाँ पर कोई भी कंपनी अपना हार्डवेयर बेच नहीं पा रही, अपने डिवाइसेस बेच नहीं पा रही, वहाँ पर एप्पल नुकसान उठा रहा है, लेकिन जो उसका सर्विसेज है, जो सर्विसेज बिजनेस, एप्पल ने पिछले 2 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि सर्विसेज इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, और उन्होंने उस लाइन पर चलना शुरू किया था एप्पल ने, तो वो इस लॉकडाउन के दौरान भी वो सर्विसेज एप्पल को रेवेन्यू लाकर दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार iOS 14 के साथ साथ, जहाँ पर पिछले साल जो एप्पल का इवेंट एक तरीके से जो मेगा इवेंट था आईफोन 11 लॉन्च का, वहाँ पर जो उन्होंने एप्पल टीवी की उन्होंने बात की थी, उन्होंने एप्पल म्यूज़िक और एप्पल आर्केड के बारे में बात की थी, तो अभी एप्पल आर्केड में करीब 100+ गेम्स हैं मुझे लगता है। लेकिन अभी भी एप्पल आर्केड में जो आजकल जो चल रहा है एक तरीके के रेज, वो नहीं ऐसा बैटल रॉयल गेमिंग वाला, तो बैटल रॉयल के गेम्स हैं एप्पल आर्केड में, लेकिन वो बच्चों टाइप के हैं। तो पबजी टाइप का कोई ऐसा बैटल रॉयल गेम एप्पल आर्केड पर आएगा कि नहीं आएगा? जितने बड़े बड़े गेमिंग फ्रेंचाइजी हैं, फिर चाहे वो Assassin's Creed हो या और भी ढेर सारे जितने हों, क्या उनके साथ Call of Duty अगर आर्केड में देखने हो, Call of Duty जैसे ये जो बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जाहिर सी बात है ये लोग भी चाहेंगे कि एप्पल आर्केड के अंदर घुसने की कोशिश इनको भी होगी, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल तगड़ा है और काफ़ी अच्छे पैसे कमाने को इनको भी मिलेंगे, इनका भी फायदा ही है उसमें। तो ऐसा क्या एप्पल आर्केड के अंदर हमें नए गेम्स देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं? एप्पल TV Plus में हमें क्या देखने को मिलेगा?